सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने ब्राउज़र की स्पीड के बारे में। जी हाँ, कि आप किस तरह अपने ब्राउज़र की स्पीड अप कर सकते हैं। और ब्राउज़र में आज जो हम ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं वो है गूगल क्रोम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर जा रहा है। गूगल का ये अपना ब्राउज़र है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से दोस्त जिनके पास थोड़े से लो परफॉर्मेंस पीसी हैं या जो इतने ज़्यादा कॉस्टली पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, आज की वीडियो हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि इंटरनेट यूज़र हैं लेकिन उनके जो है ना ब्राउज़र की स्पीड कुछ स्लो है। इस वजह से आज हम अपने ब्राउज़र को फास्ट करने के तरीके जानेंगे और आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने ब्राउज़र को काफ़ी ज़्यादा मच बेटर और फास्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर आपके पास पीसी काफ़ी बेटर है लाइक कोर में है i5 i7 या इस तरह का i3 टाइप कोई पीसी है तो आपको ये सेटिंग्स करने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं। लेकिन उससे जो थोड़े से लो मॉडल्स हैं जो जैसे कोडव्यू में, कोड गार्ड में या ड्यूअल कोर वगैरह पीसी हैं, तो ये टिप्स और ट्रिक्स उन फ्रेंड्स के लिए स्पेशली है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं हूं मोहम्मद इस्लाम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक, सो लेट्स गेट बिगिंस। और अगर अभी तक आपने मेरा पाकिस्तान टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की टेक रिलेटेड वीडियो बिल्कुल लेकर आता रहता हूँ और रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हम टिप लेकर आए हैं वो है क्रोम अपडेट। जी हाँ, अगर आपका क्रोम अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आप उसको अपडेट करें। मेन्यू में जाएं, हेल्प और अबाउट गूगल क्रोम, सो चेकिंग फॉर अपडेट्स। अगर आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है तो आप उस यहां से आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आप इसको रीलॉन्च कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने का तरीका है। तो इसे ये देखें, मेरा सिस्टम वेटिंग चेक कर रहा है कि मेरा क्रोम अपडेट है या नहीं। तो अगर ये अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे टिक मार कर देगा और अगर ये अपडेट होने वाला है तो यहाँ अपडेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट करें, जो कि फर्स्ट मेथड है स्पीड अप करने का। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर हमारी मेथड है गूगल को क्रोम को फास्ट करने का, वो है डिजेबल एक्सटेंशन। बहुत से फ्रेंड्स ने एक्सटेंशन यूज़ की होती हैं और एक्सटेंशन ओबियसली के हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंशन जो अननेसेसरी होती हैं, हमें नहीं चाहिए होती, वो भी हम उनको डिजेबल नहीं करते और वैसे ही यूज़ करते रहते हैं। आप सबसे पहले मेन्यू में जाएँ, उसके बाद मोर टूल्स, उसके बाद नीचे एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने कुछ एड ब्लॉकर यूज़ कर रखे हैं और ये देखें कुछ एड ब्लॉक, ये देखें मैं ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने ब्राउज़र की स्पीड के बारे में। जी हाँ, कि आप किस तरह अपने ब्राउज़र की स्पीड अप कर सकते हैं। और ब्राउज़र में आज जो हम ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं वो है गूगल क्रोम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर जा रहा है। गूगल का ये अपना ब्राउज़र है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से दोस्त जिनके पास थोड़े से लो परफॉर्मेंस पीसी हैं या जो इतने ज़्यादा कॉस्टली पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, आज की वीडियो हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि इंटरनेट यूज़र हैं लेकिन उनके जो है ना ब्राउज़र की स्पीड कुछ स्लो है। इस वजह से आज हम अपने ब्राउज़र को फास्ट करने के तरीके जानेंगे और आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने ब्राउज़र को
काफ़ी ज़्यादा मच बेटर और फास्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपके पास पीसी काफ़ी बेटर है, लाइक कोर में है i5 i7 या इस तरह का i3 टाइप कोई पीसी है, तो आपको ये सेटिंग्स करने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं। लेकिन उससे जो थोड़े से लो मॉडल्स हैं, जो जैसे कोडव्यू में, कोड गार्ड में या ड्यूअल कोर वगैरह पीसी हैं, तो ये टिप्स और ट्रिक्स उन फ्रेंड्स के लिए स्पेशली है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं हूं मोहम्मद इस्लाम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक, सो लेट्स गेट बिगिंस। और अगर अभी तक आपने मेरा पाकिस्तान टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की टेक रिलेटेड वीडियो बिल्कुल लेकर आता रहता हूँ और रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो होते हैं, सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपने ब्राउज़र की स्पीड के बारे में। जी हाँ, कि आप किस तरह अपने ब्राउज़र की स्पीड अप कर सकते हैं। और ब्राउज़र में आज जो हम ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं वो है गूगल क्रोम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर जा रहा है। गूगल का ये अपना ब्राउज़र है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से दोस्त जिनके पास थोड़े से लो परफॉर्मेंस पीसी हैं या जो इतने ज़्यादा कॉस्टली पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, आज की वीडियो हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि इंटरनेट यूज़र हैं लेकिन उनके जो है ना ब्राउज़र की स्पीड कुछ स्लो है। इस वजह से आज हम अपने ब्राउज़र को फास्ट करने के तरीके जानेंगे और आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप अपने ब्राउज़र को काफ़ी ज़्यादा मच बेटर और फास्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपके पास पीसी काफ़ी बेटर है, लाइक कोर में है i5 i7 या इस तरह का i3 टाइप कोई पीसी है, तो आपको ये सेटिंग्स करने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं। लेकिन उससे जो थोड़े से लो मॉडल्स हैं, जो जैसे कोडव्यू में, कोड गार्ड में या ड्यूअल कोर वगैरह पीसी हैं, तो ये टिप्स और ट्रिक्स उन फ्रेंड्स के लिए स्पेशली है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं हूं मोहम्मद इस्लाम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक, सो लेट्स गेट बिगिंस। और अगर अभी तक आपने मेरा पाकिस्तान टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की टेक रिलेटेड वीडियो बिल्कुल लेकर आता रहता हूँ और रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हम तो कैनवस फीचर्स हमें यहाँ से तलाश करना पड़ेगा। कैनवस फीचर्स देखें, मैंने इसको अनेबल ऑलरेडी किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। और स्क्रॉल डाउन करने से हमें यहाँ पे फास्ट टैब का एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखें, फास्ट ऐप विंडोज़ क्लोज, तो यहाँ पे हम इसको भी अनेबल करेंगे। सॉरी, और जी हाँ बिल्कुल, हमने इसको अनेबल कर दिया। और उसके साथ में हमें एक और ऑप्शन पे जाना है, मज़ो रेस्टर थ्रेड्स। जी हाँ, नंबर्स ऑफ ये देखें फ्रेंड्स, नंबर ऑफ रेस्टर थ्रेड्स ये डिफॉल्ट पे हैं, हमने इसको नंबर 4 पे कर देना है। तो फिर हमें अपने ब्राउज़र को रीलॉन्च कर देना है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी सेटिंग, जिसको यूज़ करने से आप अपना क्रोम काफ़ी 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 ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास लो परफॉर्मेंस पीसी हैं, या सम टाइम के अगर हम ब्राउजिंग करते करते हमारा जो है ब्राउज़र जो है ना काफ़ी स्लो हो जाता है, तो इससे ये होगा कि हमारे ब्राउज़र की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के लिए आपके लिए टेक रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।